नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निधि। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कुछ नए प्रतिबंधों के साथ कोविड कर्फ्यू आगे बढ़ाया गया है। परचून की दुकानें अब 21 मई को सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। विश्व प्रसिद्ध भगवान बद्री विशाल के कपाट आज वैदिक परंपरा और पूजा अर्चना के साथ ही ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं भगवान बद्री विशाल से प्रदेशवासियों की आरोग्यता की कामना करता हूं। कोरोना महामारी के कारण चार धाम यात्रा स्थगित है। मेरा सभी से अनुरोध है कि भगवान के वर्चुअली दर्शन करें तथा अपने घरों में ही पूजा अर्चना करें और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करें। हल्द्वानी और ऋषिकेश में बन रहे कोविड अस्पतालों में वेंटिलेटर सहित 50 आईसीयू बिस्तर बच्चों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि इन दोनों अस्पतालों में से प्रत्येक में 25-25 बिस्तर बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा ऋषिकेश के IDPL कैंपस में तथा हल्द्वानी के कोविड मरीजों के लिए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध संबंधों का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने दूध वाले प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दोनों ने पति को मारकर उसे पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की और उसकी अधजली लाश को जंगल में फेंक दिया। इतना ही नहीं, थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी और पत्नी की भूमिका संदेहयुक्त होने पर पुलिस ने पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। उत्तराखंड में कोरोना की सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा 30 से 39 साल तक के लोग संक्रमित हो रहे हैं। महज डेढ़ महीने में ही इस एज ग्रुप के 43,000 पेशेंट आ चुके हैं, लेकिन चिंता अब छोटे बच्चों को लेकर भी बढ़ने लगी है। मार्च 2020 से मार्च 2021 तक 12 महीने में 9 साल तक के 2,131 बच्चे संक्रमित हुए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 45 दिन में ही इससे कहीं अधिक 2,938 बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं। इसने डॉक्टर्स की भी चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। स्टेट पुलिस मुख्यालय की ओर से ऐसे पुलिस कर्मियों को कोविड ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है। इसके अलावा गर्भवती और ऐसी महिला पुलिसकर्मी जिनके बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें भी कोविड ड्यूटी से मुक्ति दे दी गई है। सोमवार को ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के 8 नए मरीज मिले हैं। सभी संक्रमितों को ब्लैक फंगस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। एम्स में अब तक 25 कोविड संक्रमितों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। ब्लैक फंगस संक्रमित देहरादून निवासी 36 वर्षीय युवक की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज सुबह से ही प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी देहरादून समेत गढ़वाल और कुमाऊं में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र आकाशीय बिजली गिरने और तेज बौछार के साथ बारिश के आसार हैं। गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाए जाने के मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने शवों को गंगा नदी में प्रवाहित करने से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सीएम के आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए नदियों के किनारे SDRF और जल पुलिस की टीम भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि लोग शवों को नदी में प्रवाहित ना कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक सशक्त माध्यम बताया और कहा कि बड़े पैमाने पर इसकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयास निरंतर जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों पर बहुत ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि जब जिला कोरोना को हराएगा तभी देश कोरोना से जंग जीतेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट सिंगापुर से आया है जो कि बच्चों के लिए खतरनाक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की कि सिंगापुर आने जाने वाली सभी फ्लाइट तुरंत बंद कर दी जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता पर काम हो।
हिमाचल प्रदेश में अब 65 से 69 साल की वरिष्ठ महिलाओं को पेंशन मिलेगी। बजट में प्रदेश सरकार के ऐलान पर सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें साफ है कि बिना आय सीमा की शर्तों के वरिष्ठ महिलाओं को सरकार 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बाबत बजट में घोषणा की थी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा, गांव व कस्बों में चिकित्सा सेवाओं की दुर्व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अति कठोर टिप्पणी के बाद तो राज्य के नेतृत्व को जागना चाहिए। दिखावटी दौरों से कुछ नहीं होने वाला, मरते हुए लोगों के प्रति सच्ची संवेदना और सक्रियता दिखाइए, माननीय मानवीय बनिए। कोरोना वायरस के चलते बीते कुछ महीनों में बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बलिया से आया है, जहां पुलिस की मौजूदगी में टायर के सहारे लावारिस शव का दाह संस्कार किया जा रहा है। फिलहाल मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी विपिन टाडा ने जांच के आदेश दिए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। के अग्रवाल के परिवार ने बताया कि उन्होंने कल रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। के अग्रवाल की उम्र 62 साल थी और वह करीब एक हफ्ते से वेंटिलेटर पे थे, जहां कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 10वीं रिजल्ट के संबंध में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। कल यानी कि 19 मई को सुबह 11 बजे 10वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं ध्यान दें कि परिणाम राज्य शिक्षा विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घोषित किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 24 से 27 पैसों की बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल भी 27 से 31 पैसे महंगा हो गया। बता दें कि इस समय देश के सभी शहरों में पेट्रोल और डीजल ऑल टाइम हाई चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस ब्लास्ट में सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया है और एक जवान घायल है। बीजापुर के कुटरू इलाके के अंबेली में नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ने घटना की पुष्टि की है। कुटरू से एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान निकले थे, उसी वक्त नक्सलियों ने ब्लास्ट कर वारदात को अंजाम दिया। इलाके में सर्चिंग जारी है। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में आने वाले साइक्लोन की चेतावनी के बाद सुरक्षा के लिहाज से 17 से 21 मई के बीच चलने वाली 7 स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। इनमें 3 ट्रेनें ऐसी हैं जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा और गुजरात के कई शहरों के बीच संचालित होती हैं। इन सभी को भी सुरक्षा के लिहाज से निर्धारित तारीख के लिए रद्द किया गया है। मौसम विभाग ने गुजरात के तटीय क्षेत्र में साइक्लोन ताऊते की चेतावनी दी है। अमेरिका ने भारत को अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि वह कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ उसकी मदद करना जारी रखेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत को 10 करोड़ डॉलर लगभग 730 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सहायता कार्यक्रम में वह व्यक्तिगत रूप से भी दिलचस्पी ले रहे हैं। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। शुक्रिया।